दोस्तों एक सवाल मेरे दिमाग दे विच कई दिन का घूम रहा, हो सकता तुहाडे भी दिमाग दे विच आंदा होए। मैं ये सोचता कि सब तो जिम्मेवारी वाला काम जिहड़ा है जिन्हां लोकां ने करना है उन्हां नूं सब तो घट पेमेंट सब तो घट सैलरी मिल रही है। जिहड़े टीचर प्राइमरी स्कूलों दे विच पढ़ा रहे, जिहड़े टीचर छोटे बच्चों नूं प्री नर्सरी नर्सरी के बच्चों नूं पढ़ा रहे, दोस्तों बच्चे दे मानसिक विकास की सारी नींह उत्थे रख होनी है। उन्हें बच्चे ने अगे जाके की करना हैगा, उन्हां नूं टीचर पढ़ा रहे हैगे आ जिहड़े घरां दे विच अमूमन घरां दे विच जिहड़े फ्री बैठे आ या जिन्हां नूं 8 to 1 दी एक जॉब चाहीदी है, चाहे उन्हां दी एजुकेशन इन्नी ज़्यादा नहीं हैगी, लेकिन उन्हां दे विच ज़्यादातर यंग लड़कियां आ 22 साल 24 साल 23 साल दी। और सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए कि उन्हां नूं खुद नहीं हजे दुनिया का पता हैगा, उन्हां नूं खुद नहीं हजे पता रिश्तिया की वैल्यू की हुंदी है, उन्हां नूं खुद नहीं पता हैगा कि भी आपां बड़े छोटे की रिस्पैक्ट किदां करनी है, बच्चों नूं की वो एजुकेशन दे रहे हैं। दोस्तों मैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे उत्ते या किसी टीचर दे उत्ते परसनल अटैक नहीं कर रहा, लेकिन यह सोचने वाली गल है कि जदों बूटा बहुत छोटा हुंदा उदों उन्हूं ज़्यादा केयर की लोड़ हुंदी है, ना कि जदों ब्रिक्ष बन जावे। दोस्तों ब्रिक्ष बने नूं तां जदों ब्रिक्ष बन गया उदों तां उन्हें नेचर दे कोलों वैसे ही हवा पानी लै लेना, दोस्तों जदों कोमल जिहा हुंदा उन्हूं बहुत ज़्यादा लोड़ हुंदी है कि केयर की, उन्हों अगर तुसी टॉक्सिक केयर दे दित्ती उन्हों टॉक्सिसिटी देन लग पे उहदी सारी जिंदगी जहरीली हो जाएगी, उन्हों संस्कार नहीं मिलोगे। दोस्तों मैनू ये लगता जिहड़े प्री नर्सरी नर्सरी स्कूलों दे विच टीचर पढ़ा रहे वो हाईली मैच्योर्ड होने चाहिए है, एटलीस्ट उन्हां नूं उन्हां दी काबिलियत दे अकॉर्डिंग सैलरी मिलनी चाहिए है, ना कि सैलरी ना कॉम्प्रोमाइज़ करके कॉस्ट कटिंग करके स्कूलों नूं घट पढ़े हुए और लेडीज़ जिहड़ियां फ्री बैठियां जिहड़ियां घरां दे विच फ्रस्ट्रेटेड लेडीज़ बैठियां जिहड़ियां घरां दे विच झगड़ालू लेडीज़ बैठियां जिहड़ियां घरां दे विच अपने बड़े छोटे की रिस्पैक्ट नहीं कर रही, वो लेडीज़ बैठिया उन्हां नूं जिम्मेवारी दे के अपने बच्चों नूं उन्हां दे सपुरद असी करी जा रहे हैं, और बाद दे विच उही बच्चों के अंदर सानू फैक्टर्स जदों दिखने शुरू होंदे उदों असी कहने साडी तां परवरिश दे विच कोई कमी नहीं सी। दोस्तों कमी साढ़े एजुकेशन सिस्टम की भी है, वो उत्ते भी झात मारन की जरूरत है। बई 40-45 साल का कोई मैच्योर परसन होवे, मैच्योर लेडी होवे जिन्हें दीन दुनिया देखी होवे, जिन्हों तजर्बे हुण बड़े छोटे की रिस्पैक्ट किदां करनी है, जिन्हों पता होवे फैमिली किदां रहना है, बड़े छोटे ना बिहेव किदां करना, दोस्तों इदां दे बंदिआं नूं जिम्मेवारी मिलेगी तो साडा एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा। जिन्हें प्लस टू कर ली है जिन्हें ग्रेजुएशन कर ली है वो टीचर नूं पढ़ाने वाले नूं तनखा मिल रही है 1.5 लाख रुपया और उन्होंने मिलती है 5,000, 4,000, 3,500 रुपया। ये अनफेयर सिस्टम के खिलाफ सानू बोलना चाहिए, सानू अपने अपने बच्चों नूं पढ़ाने वाले टीचर्स के बारे खुद पता करना चाहिए कि भी उन्हां दी एजुकेशन उन्हां दा अपना एजुकेशन लैवल की है, उन्हां दा अपना मेंटल लैवल की है। हो सकता घर दीआं फ्रस्ट्रेशन साढ़े बच्चे सह रहे हो। वीडियो वधिया लगती है शेयर करो, किसी ते परसनल अटैक नहीं है लेकिन अवेयरनैस जरूरी है। थैंक यू, जय हिंद।